ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की है, आईटीआई फर्स्ट ईयर, और चैप्टर का नाम है एसी करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट मतलब आप जानते हैं एसी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया था, तो चैप्टर का यही नाम है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनका एक पैटर्न आपके सामने दिखाया जाएगा और इसको सॉल्व करके बताया जाएगा, और इनको आप करेंगे तो आपको एग्जामिनेशंस में प्लस आगे भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में, आईटीआई से रिलेटेड एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलेगी। आगे की वीडियो जो है जितेश सर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने इलेक्ट्रीशियन के लिए जितेश सर को अप्रोच किया था, जो कि इलेक्ट्रीशियन की अब जो भी वीडियो जब अपलोड हो रही हैं वो इलेक्ट्रीशियन की हैं, वो जितेश सर द्वारा हो रही हैं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आईटीआई से जुड़ी बहुत सारी जानकारी साथ में स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का कि एक साइनोसोइडल तरंग के पीक फैक्टर का मान कितना होता है। इस क्वेश्चन में आपको साइनोसोइडल यानी कि एसी तरंग का पीक फैक्टर पूछा जा रहा है, तो इसकी जो वैल्यू होती है 1.414। इस वैल्यू को आप डायरेक्ट याद रखेंगे। बाय द वे, आप अगर इस वैल्यू को भूल जाते हैं तो मैं एक फार्मूला बता देता हूँ, आप उस फार्मूले की सहायता से इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला है पीक फैक्टर का, होता है फार्मूला पीक फैक्टर बराबर ये होता आपका आई मैक्स होता है, आई मैक्स बटा में आई आर एम एस। आई मैक्स आपका मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, जो आपका आई आर एम एस है। आप इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके होंगे, इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आई आर एम एस का। तो इस प्रकार हमारे जो फार्मूला होता है पीक फैक्टर बराबर आई मैक्स अपन आई आर एम एस, और यहाँ से हमारा एक पास और फार्मूला है आई आर एम एस बराबर होता है आई एम अपन रूट टू, या इसके बराबर 0.707 आई मैक्स होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पीक फैक्टर है, ये पीक फैक्टर बराबर क्या होता है आई मैक्स अपन आई आर एम एस। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, आई आर एम एस के वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, पीक फैक्टर। तो पुट करते हैं पीक फैक्टर बराबर, ऊपर हमारा है आई मैक्स, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा बटा में, नीचे हमारा है आई आर एम एस, तो आई आर एम एस के जब हम लिखेंगे आई एम बटा में रूट टू, आई एम बटा में रूट टू, तो हमारा आई एम से आई मैक्स कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, आई मैक्स और आई एम दोनों करंट की मैक्सिमम वैल्यू हैं, और जो हमारा रूट टू कहाँ चला जाएगा, ऊपर, बराबर क्या हो जाएगा रूट टू। आपको पता होगा रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.414। इस प्रकार जो हमारा वैल्यू आया पीक फैक्टर का, पीक फैक्टर बराबर 1.414, सॉरी एक्चुअली यहाँ पे 4.4 होगा, मैंने 1 लिख दिया था। तो इस प्रकार जो आपके वैल्यू आई पीक फैक्टर की कितनी आई 1.414। तो हमेशा आप प्रयास करेंगे कि इस वैल्यू को डायरेक्ट याद रखें, बाय द वे अगर आप भूल जाते हैं तो इस फार्मूले के जरिए इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक साइनोसोइडल तरंग के फॉर्म फैक्टर का मान क्या होगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था पीक फैक्टर, और इस क्वेश्चन में बात कर रहा है किसका, फॉर्म फैक्टर का। तो इसकी भी वैल्यू बता दूं आपको मैं, कि इसका जो वैल्यू होता है 1.11 होता है, जो हमारा होता है फॉर्म फैक्टर, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.11। इसकी वैल्यू को भी डायरेक्ट आप याद रखेंगे, अगर आप इस वैल्यू को भूल जाते हैं तो मैं इसका फार्मूला बता देता हूँ आपको। इस फार्मूले की सहायता से आप क्या करेंगे, इसके वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। हमारा जो फार्मूला होता है फॉर्म फैक्टर बराबर आई आर एम एस अपन आई ए वी, जो आई आर एम एस आपका क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान भी कहते हैं हिंदी में किसको, आई आर एम एस को।
जो हमारा आई ए वी है इसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू इसे हिंदी में कहते हैं औसत मान। तो हमारा जो फॉर्म फैक्टर होता है इसका फॉर्मूला होता है आई आर एम एस बटा में आई ए वी। ऊपर आपने पढ़ा था आई आर एम एस का फार्मूला आई एम बटा में रूट टू, या इसका एक और फार्मूला होता है 0.707 आई मैक्स बटा में। जो हमारे पास आई ए वी है इसका फार्मूला होता है 0.637 आई मैक्स। इस प्रकार जो हमारा आई मैक्स और आई मैक्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों करंट की मैक्सिमम वैल्यू हैं। हमारे पास शेष बच जाएगा 0.707 अपॉन 0.637। जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे इसका जो वैल्यू आएगा 1.11। इस प्रकार जो हमारा फॉर्म फैक्टर आया, फॉर्म फैक्टर का जो मान आया 1.11। इस वैल्यू को आप हमेशा याद रखेंगे। बाय द वे अगर आप भूल जाते हैं तो फॉर्म फैक्टर के जो फार्मूला है आई आर एम एस अपॉन आई ए बी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि इम्पिडेंस की इकाई क्या होती है। मैं आपको बता दूं कि इम्पिडेंस होता क्या है। इम्पिडेंस एक तरह का रेजिस्टेंस होता है जो कि एसी सर्किट में अक्सर आपको देखने को मिलता है, जो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को मिला के बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं इम्पिडेंस कहते हैं। इसको हम जेड से डिनोट करते हैं आई एम पी ई डी ई एन सी ई। इम्पिडेंस को हम जेड से डिनोट करते हैं। एक तरह का एक रेजिस्टेंस ही होता है। इसका जो मान होता है इसकी जो इकाई होती है क्या होती है ओम होती है, क्योंकि एक प्रकार का ये एसी का रेजिस्टेंस है, इसका जो इकाई होती है ओम होता है। अगला क्वेश्चन है कि एल हेनरी के इंडक्टर में संग्रह की जाने वाली ऊर्जा होती है, यानी आपके पास एक इंडक्टर है जिसकी वैल्यू है एल हेनरी है, तो पूछ रहा है क्या कि उस इंडक्टर में कितनी एनर्जी संग्रह होगी। तो एक फार्मूला होता है इंडक्टर में एनर्जी संग्रह की, ई एन ई आर जी वाई एनर्जी बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। यहाँ पे एल आपका क्या है इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस है, आई क्या आपकी करंट है, आई आपकी करंट है। इस प्रकार किसी भी इंडक्टर में जो एनर्जी कंज्यूम होती है संग्रह होती है उसका जो फार्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। आपको मैं यही पे बता देता हूँ, कहीं कहीं कैपेसिटेंस में भी पूछ लेता है कैपेसिटेंस में एनर्जी संग्रह का फार्मूला क्या होता है। तो हम बात करें अगर कैपेसिटेंस में, कैपेसिटेंस की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो हमारा एनर्जी संग्रह होता है वो होता है हाफ सी वी स्क्वायर। अगर इंडक्टेंस की बात करेगा तो हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी कंज्यूम करेगा, अगर बात करेंगे कैपेसिटेंस की तो हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी कंज्यूम करेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन नंबर बी है हाफ एल आई स्क्वायर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि एक सिंगल फेज एसी धारा का वोल्टेज और धारा के बीच फेज कोण 60 डिग्री हो तो परिपथ का शक्ति गुणांक है। आपसे शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर पूछ रहा है, क्योंकि जो धारा क्या हमारी एसी है कौन सी है सिंगल फेज है, इसमें आपका फाई का मान दे रखा है, हमें फाई दे रखा है कितनी 60 डिग्री। फाई है क्या हमारा एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। जो हमारा फाई है ये वोल्टेज और करंट के बीच का कोण दे रखा है। हमें पता है फार्मूला होता है क्या है शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर का कॉस फाई। हमें फाई का मान मालूम है 60 डिग्री, हम रखेंगे कॉस 60 डिग्री। आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इसका मान 1/2 होता है। इसको और सॉल्व करेंगे तो 0.5 हो जाएगा किसका कॉस 60 डिग्री का मान। इस पर जो हमारा आंसर क्या होगा 0.5 आएगा। जो हमारा आंसर नंबर बी दिख रहा है कितना 0.5। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कह रहा क्वेश्चन में कंडक्टेंस G1, G2 और G3 वाले तीन अवयवों को
समांतर में जोड़ा जाए तो उनका संयुक्त कंडक्टेंस क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि जो कंबाइंड कंडक्टेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगा जब इसको समांतर में जोड़ा जाए। आपको बता दें कंडक्टेंस होता क्या है। कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा होता है। रेजिस्टेंस का काम होता है सर्किट में करंट फ्लो का विरोध करना, लेकिन कंडक्टेंस का काम होता है किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो कराने के लिए आसान मार्ग पैदा करना, आसान मार्ग उपलब्ध कराना। तो बता दें कि आपका जो जी होता है कंडक्टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं चालकता, चालकता। और बात आते हैं आर, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं प्रतिरोध। तो जो जी होता है इसका मान होता है 1/R, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो आपका जी यानी कि कंडक्टेंस है या रेजिस्टेंस का विरोध होता है, उल्टा होता है। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, आपका करंट फ्लो करने का विरोध करता है, जबकि आपका जो कंडक्टेंस है करंट फ्लो करने में सहायता करता है। इसको हम G1 कर दें तो इसको 1/R1 हो गया। अगर हम G2 की बात करें तो 1/R2 लिख सकते हैं। अगर G3 की बात करें तो 1/R3 लिख सकते हैं। तो आपका पता होगा कि जब किसी भी अवयव को अगर पैरेलल में जोड़ते हैं और खासकर रेजिस्टेंस को, तो क्या होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यदि हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं, समांतर में जोड़ते हैं, तो उसे कहते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आपको पता है 1/R1 की वैल्यू कितनी होगी, G1। इस प्रकार G1 प्लस 1/R2 इक्वल टू G2, तो यहाँ G2 हो जाएगा। 1/R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, G3 लिख सकते हैं। इसको हम प्लस G3 कर सकते हैं। इस प्रकार जो हमारा होगा R इक्विवेलेंट होगा क्या होगा कंडक्टेंस के लिए, G1 प्लस G2 प्लस G3, जो रेजिस्टेंस का बिल्कुल उल्टा होता है। जो आपका ऑप्शन नंबर B दिख रहा है, G1 प्लस G2 प्लस G3, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक शुद्ध कैपेसिटर में अपव्यय किए जाने वाली शक्ति कितनी होती है, यानी जो प्योर कैपेसिटर होता है उसमें कितनी शक्ति अपव्यय होती है या व्यय होती है, लॉस होती है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, शून्य होगा। अगर कभी भी बात करें किसी भी प्योर इंडक्टिव सर्किट की या प्योर कैपेसिटिव सर्किट की, चाहे प्योर इंडक्टिव हो या फिर प्योर कैपेसिटिव हो, उन दोनों ही केस में जो शक्ति अपव्यय होता है यानी कि पावर लॉस होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन ध्यान रखेंगे हम, हमेशा कब होता है ये जीरो वैल्यू पावर लॉस की, जब केवल शुद्ध यानी कि प्योर कैपेसिटिव की बात करें या फिर प्योर इंडक्टिव की बात करें, उसी केस में जो पावर लॉस क्या होता है, जीरो होता है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कैपेसिटर 10 वोल्ट पर 0.24 कूलाम एकत्रित करता है, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट और इस पर कितना कूलाम यानी कि कितना आवेश एकत्रित करता है, ये 0.24 कूलाम है। तो आपसे कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछ रहा है। तो फार्मूला होता है C=Q/V। हमें हमारा सी क्या है, सी हमारा है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस होता है। क्यू हमारा क्या है, चार्ज, चार्ज। अभी हमारा वोल्टेज, वोल्टेज। आपको क्वेश्चन में दे रखा है क्यू कितना देखा है, 0.24 कूलाम रखेंगे, 0.24 बटा में भी कितना दे रखा है 10 वोल्ट, तो 10 रखेंगे। सी बराबर जब इस 10 का 0.24 में भाग देंगे तो यह आ जाएगा आपका 0.024, क्योंकि आपको पता है कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, फैराड होती है, तो यहाँ फैराड हो जाएगा। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है 0.024 फैराड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 एम्पियर के सममितीय वर्ग तरंग धारा रेक्टिफाइड अर्ध तरंग के RMS का मान क्या होगा। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था RMS वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, RMS वैल्यू। तो बताते फिर एक बार, RMS बराबर 0.707 IMAX। आपकी जो RMS का फार्मूला होता है 0.707
इंटू आई मैक्स, ध्यान रखेंगे 0.707 इंटू आई मैक्स आपको दे रखा है कितना 2 एम्पियर, यहाँ इसका वैल्यू 2 पुट करेंगे, जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 7 = 14, जब 2 का जीरो में गुणा करेंगे तो क्या होगा 0, लेकिन फिर जो हमारा 1 हासिल हो यहाँ हो जाएगा, फिर 2 × 7 = 14, पॉइंट हमारे चूँकि 3 अंक पे है तो हम भी क्या करेंगे 3 अंक पे पॉइंट को लगाएंगे, तो 1, 2 और 3, इस प्रकार जो हमारा आई आर एम एस का वैल्यू प्राप्त हुआ 1.414, जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है इसमें 1.414 एम्पियर वैल्यू है, इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्टरनेटिंग करंट का समीकरण आई इक्वल टू 42.4 साइन 6 to 8 टी है, तब धारा का औसत मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में धारा का औसत मान ज्ञात करना है हमें, तो आपको बता दूं कि औसत वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जो हमारा इक्वेशन होता है एसी सर्किट में, वो हमारा मेन इक्वेशन होता है आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, जो हमारा आई एम क्या है मैक्सिमम करंट है, और ये आई जो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट है। अगर इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन का तुलना करें तो लिख सकते हैं आई इक्वल टू 42.4 साइन 6 to 8 t, जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ हमें प्राप्त होगा आई एम की जगह पर क्या हमारा 42.4 है, तो हमें निकल जाएगा आई एम बराबर 42.4 एम्पियर, ओमेगा बराबर 6 to 8, चूँकि हमसे पूछा जा रहा है औसत मान किसका करंट का, आपको फार्मूला मैंने ऊपर बताया था कि आई ए भी बराबर क्या होता है 0.637 इंटू आई मैक्स बराबर 0.637 इंटू आई मैक्स, हमें मान पता है कितना है 42.4, जो कि हमने इस क्वेश्चन से निकाला था, तो यहाँ रखेंगे 42.4। इस प्रकार जब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 27.008 समथिंग आएगा। इस प्रकार अगर हम आई ए वी का एग्जैक्ट वैल्यू लिखना चाहें तो 27 एम्पियर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है कितना 27 एम्पियर, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एक शुद्ध इंडक्टिव एसी परिपथ में क्या होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि ये कोई शुद्ध प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो उसमें क्या होता है। ऑप्शन कह रहा है वोल्टेज धारा से 90 डिग्री लीड करती है, वोल्टेज धारा से 90 डिग्री लैग करती है, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है, धारा तथा वोल्टेज समान फेज में होता है। मैं आपको बता दूं कि एक मेरे पास ट्रिक है जिसके जरिए हम चाहे शुद्ध इंडक्टिव की बात करें या फिर शुद्ध कैपेसिटिव की बात करें, दोनों ही केस में हम कौन सा वोल्टेज लीड करेगा या करंट लीड करेगी इसका हम आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे सी आई वी आई एल, या बता दें सी हमारा क्या है कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस है, और जो एल हमारा क्या है इंडक्टेंस है, एल हमारा इंडक्टेंस है, जो हमारा आई क्या है करंट, और भी हमारा वोल्टेज, ठीक है। इस प्रकार हम इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि शुरू से तीन तीन का पेयर बनाएंगे, जैसे हमने सी आई और भी का पेयर बनाया तीन का, इस प्रकार हम एल के केस में ऊपर से तीन पेयर बनाएंगे वी आई और एल का। इस प्रकार हमारे पास दो ऑप्शन हो गए सी आई वी, ठीक है। जो हमारा सी क्या है मैंने बताया था सी हमारा कैपेसिटेंस है, ठीक है, तो सी कैपेसिटेंस है। तो इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कैपेसिटेंस के केस में कि कौन सा लीड करेगा वोल्टेज या करंट, तो बता दें कि इस केस में पहले क्या आ रहा है आपका I, यानी कि करंट पहले आ रहा है और वोल्टेज बाद में आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा आपका जो करंट क्या होगा करंट लीड करेगा, करंट लीड करेगा यानी कि आगे चलेगा, और जो हमारा वोल्टेज है ये हमारा लैग करेगा यानी कि पीछे चलेगा। किस केस में कैपेसिटेंस के केस में, क्योंकि सी के में बाद पहले क्या आता है आई उसके बाद फिर भी, तो जो पहले आता है वो लीड करता है, जो बाद में आता है वो लैग करता है,
तो इस केस में आई पहले आ रहा है कि करंट लीड करेगा और वोल्टेज बाद में आ रहा है, इसलिए वोल्टेज हमारा लैग करेगा। अब बात करते हैं वी आई एल की, किसकी बात करते हैं वी आई और एल की। तो इस केस में देखेंगे एल हमारा क्या है, इंडक्टर है एल, तो एल के केस में पहले क्या आ रहा है हमारा वी आ रहा है ना, तो वोल्टेज क्या करेगा हमारा वोल्टेज लीड करेगा और आई क्या आ रहा है बाद में, करंट हमारा क्या करेगा लैग करेगा यानी करंट पीछे चलेगा। इस प्रकार कभी भी आपसे पूछा जाए अगर या तो इंडक्टिव परिपथ हो या फिर कैपेसिटिव परिपथ हो, तो इस सिविल से क्या करेंगे आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, जो पहले आएगा वो लीड करेगा, जो बाद में आएगा वो लैग करेगा। इस प्रकार इसमें भी जो पहले आएगा वो लीड करेगा, जो बाद में आएगा वो लैग करेगा। तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं, कैपेसिटर के केस में क्या हो रहा है आई पहले आ रहा तो करंट क्या करेगी लीड करेगा और वोल्टेज बाद में आ रहा तो वोल्टेज लैग करेगा। अब बात करते हैं इंडक्टर केस में, तो इसमें वोल्टेज पहले आ रहा है तो वोल्टेज हमारा लीड करेगा और जो आई यानी कि करंट बाद में आ रही है तो करंट हमारी लैग करेगी। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में, किसकी बात कर रहे हैं हम इंडक्टिव परिपथ की यानी कि एल की बात कर रहे हैं, तो एल में क्या हो रहा हमारा वोल्टेज क्या होगा लीड करेगा करंट लैग करेगी। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है कि वोल्टेज धारा से 90 डिग्री लीड करती है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साइनोसोइडल अल्टरनेटिंग करंट के आरएमएस को किस संबंध से दर्शाया जाता है, यानी आपसे इस क्वेश्चन फिर से एक बार पूछा जा रहा है कि यानी कि आरएमएस वैल्यू की बात की जा रही है, आरएमएस वैल्यू का मान पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा संबंध ऐसा है जो आरएमएस वैल्यू के लिए सही होगा। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है सही हो जाएगा, आई आर एम एस बराबर होता है आई एम बटा में रूट टू, यानी आई एम क्या है आपका मैक्सिमम करंट है बटा में रूट टू, ये हमारा आई आर एम एस का क्या है फार्मूला है, इसे आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हेनरी निम्नलिखित गुणों में से किसकी इकाई है, तो बता दें आपने अगर पढ़ा होगा मैग्नेटिक सर्किट तो उसमें आपको पता होगा हेनरी किसका मात्रक होता है, तो ये इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है हमारा हेनरी होता है। रिएक्टेंस जब हम एसी सर्किट की बात करते हैं तो उसमें कैपेसिटिव रेजिस्टेंस इंडक्टिव रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस को मिला के जब तीनों हमारा रेजिस्टेंस बनता है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंस बोलते हैं। कैपेसिटेंस ये कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस है ये किसका है प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है हेनरी किसका मात्रक है, तो हेनरी हमारा इंडक्टेंस का मात्रक होगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक वोल्ट मीटर की रीडिंग 112.68 वोल्ट है जबकि वोल्टेज का सही मान 112.6 वोल्ट है तो त्रुटि यानी कि एरर हमें फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला होता है त्रुटि बराबर मापी गई मान माइनस वास्तविक मान, त्रुटि का फार्मूला होता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है 112.6 वोल्ट है, तो जो मापा गया वैल्यू कितना आया 112.68 माइनस कह रहा वास्तविक मान, तो वोल्टेज का जो सही मान है यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू कितनी है 112.6 वोल्ट, तो 112.6 यानी इसको हम 112.60 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार जब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 8 में से 0 गया 8 और 6 में से 6 गया 0 और पॉइंट की जगह पे पॉइंट, इस प्रकार जो हमारा एरर होगा यानी कि जो त्रुटि होगी कितना आएगा 0.8 वोल्ट का, चूंकि ये वोल्टेज मेजर कर रहा है इसलिए हमारा वैल्यू क्या होगा वोल्ट में आएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा हो क्या होगा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है 0.08 वोल्ट। इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित किस परिपथ में प्रत्येक घटक की आर पार वोल्टेज ड्रॉप समान होता है, यानी पूछ रहा है कि किसी भी सर्किट में इनमें से कौन सा ऐसा सर्किट है जिसमें सभी इक्विपमेंट या जितने भी घटक हैं उनके जो आर पार जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा इक्वल होगा समान होगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है समांतर परिपथ ये सही होगा, समांतर परिपथ में जितने भी आपके इक्विपमेंट लगे होते हैं या जितने भी घटक होते हैं उन सबके आर पार जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है या वोल्टेज होता है वो क्या होता है समांतर होता है।
श्रेणी परिपथ में क्या होता है कि जितने भी अवयव लगे होते हैं, जितने भी घटक होते हैं, उनमें करंट समान होती है। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किसमें वोल्टेज समान होता है, तो समांतर परिपथ में वोल्टेज सभी घटक में समान होता है, जबकि श्रेणी परिपथ में क्या होता है, सभी घटक में करंट समान होता है। अगला क्वेश्चन, फॉर्म फैक्टर इनमें से किस का अनुपात होता है। आपसे इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है फॉर्म फैक्टर, मैंने बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में फॉर्म फैक्टर का फार्मूला भी, आपको मैं फिर से बता देता हूँ। फार्मूला होता है फॉर्म फैक्टर बराबर आर एम एस वैल्यू बटा में एवरेज वैल्यू, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी कि वर्गमान मूल्यमान बटा में एवरेज वैल्यू यानी कि औसत मान। इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू आप निकालेंगे तो 1.11 होता है, मैंने ऊपर बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, औसत मान सॉरी आरएमएस मान और औसत मान का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, उसे हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन, 400 माइक्रो सेकेंड पीरियड के एक सिग्नल की आवृत्ति कितनी होगी। आपका जो समय दे रखा है टी दे रखा है, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। आपको बता दूं कि फार्मूला आपने पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी एफ इजकल टू 1/T बराबर 1 बटा में आपका टी दे रखा है कितना, 400 माइक्रो सेकेंड। लिखेंगे 400 इंटू 10^6, क्योंकि होता है 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 1×10^-6। तो चूंकि यहाँ दे रखा है 400 माइक्रो सेकेंड, तो 400 इंटू माइक्रो मतलब क्या है, 10^-6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/400 और जब हमारा 10^6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो गुणा करेंगे 10^ क्या हो जाएगा, 6। इस प्रकार यदि हम और इसको सरल करना चाहें, 1/400 गुणे यानी क्या करेंगे, 10 को 6 बार गुणा करेंगे तो 10 पर कितना जर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कट जाएगा। अब 4 से भाग देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 4×2 = 8, फिर 2 बचेगा तो 20, 4×5 = 20 और फिर 0 और 0। इस प्रकार जो आपका क्या आएगा, 2500 फ्रिक्वेंसी मतलब क्या होता है, हर्टज, 2500 हर्ट्ज हमारा आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, क्या होगा, 2500 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा आपसे रिलक्टेंस का मात्रक क्या होगा। रिलक्टेंस बता दें मैं आपको कि मैग्नेटिक सर्किट में एक तरह का प्रतिरोध होता है, जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस काम करता है प्रतिरोध की तरह, उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में क्या करता है, जो रिलक्टेंस हमारा है फ्लक्स के फ्लो होने का विरोध करता है, जो इसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न पर वेबर। इसकी वैल्यू का आप याद रखिएगा, एम्पियर टर्न पर वेबर। अगला क्वेश्चन है, पीक फैक्टर इनमें से किसका अनुपात है। फिर से क्वेश्चन दोहरा रहा है आपसे, मैंने ऊपर बताया था इस क्वेश्चन का मान कि पीक फैक्टर का फार्मूला क्या होता है। तो पीक फैक्टर का फार्मूला होता है पीक मान बटा में आरएमएस मान, यानी कि पीक मान और आरएमएस मान का अनुपात क्या होता है हमारा, पीक फैक्टर कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसका जो अगर एग्जैक्ट वैल्यू बता दूं मैं आपको तो 1.414 मैंने ऊपर बता चुका हूँ पीक फैक्टर का मान होता है। अगला क्वेश्चन, प्रवेश्यता यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं एडमिटेंस का मात्रक है, एडमिटेंस का मात्रक पूछ रहा है। मैं आपको बता दूं कि एडमिटेंस इम्पिडेंस का उल्टा होता है। एडमिटेंस को हम वाई से डिनोट करते हैं, वाई बराबर 1/Z, जहाँ हमारा वाई क्या है, एडमिटेंस, ADMITANCE एडमिटेंस, और जेड हमारा क्या है, इम्पिडेंस है, IMPEDANCE। वाई हमारा एडमिटेंस और जेड हमारा इम्पिडेंस, जो हमारा एडमिटेंस होता है इम्पिडेंस का उल्टा होता है। आपको बता दें कि जो हमारा जेड इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, जेड यानी कि इम्पिडेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इस प्रकार यदि हम एडमिटेंस का मात्रक ज्ञात करना चाहें तो 1/Z को लिख सकते हैं 1/ क्या लिख सकते हैं, ओम, 1/ ओम। इसको और सॉल्व करें तो उसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स, या इसको बोलते हैं क्या, साइमन, क्या बोलते हैं, साइमन, यानी कि जो हमारा एडमिटेंस यानी वाई है यह इम्पिडेंस का उल्टा होता है, और चूंकि इम्पिडेंस का मात्रक ओम होता है इसका इस प्रकार 1/ओम, इसको हल करेंगे तो ओम इनवर्स आ जाएगा या इसको साइमन, ये दोनों मात्रक क्या होंगे,
एडमिटेंस यानी कि वाई के मात्रक हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये क्या होगा, साइमन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है साइन वेव के लिए धारा का आरएमएस मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को मैं ऊपर बता चुका हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो हम यही कहेंगे कि आपको क्या करेंगे, इस वैल्यू को एग्जैक्ट याद कर लेंगे। तो पूछ रहा है कि साइन वेव के लिए धारा का आरएमएस मान क्या होगा। जो धारा का आरएमएस यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी हिंदी में वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, इसका जो वैल्यू होता है बी नंबर सही है 0.707 इंटू आई मैक्स। आई मैक्स आपका मैक्सिमम करंट है। इस वैल्यू का आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ये डायरेक्ट आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आरएल सीरीज परिपथ में अनुनाद की स्थिति कब होती है। यानी अगर एसी सर्किट की बात करें और एसी में खासकर आरएल सर्किट की, तो पूछ रहे कि इस सर्किट में अनुनाद यानी कि रेजोनेंस की स्थिति कब पैदा होती है। हम आपको बता दें कि रेजोनेंस की स्थिति में क्या होती है, रेजोनेंस इसे हिंदी में अनुनाद कहते हैं। अनुनाद होने के लिए आपको आवश्यक है कि एक्सएल बराबर एक्ससी होना चाहिए, यानी कि एक्सएल इज्कल टू एक्ससी क्या है, कंपलसरी ये अनिवार्य है रेजोनेंस के होने के लिए। एक्सएल की आपका इंडक्टिव प्रतिघात है और ये एक्ससी की आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कैपेसिटिव प्रतिघात है। तो आपका जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। किसी भी सर्किट के रेजोनेंस के लिए एक्सएल और एक्ससी का आपस में बराबर होना बहुत ही जरूरी है। जब तक ये बराबर नहीं होगा हमारी जो सर्किट क्या होगी, अनुनाद यानी कि रेजोनेंस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आरएलसी सीरीज परिपथ में अनुनाद पर पावर फैक्टर होता है। यानी कि जब रेजोनेंस होगा सर्किट, यानी कि जब आरएलसी सर्किट क्या होगा, रेजोनेंस यानी कि अनुनाद होगा, तो उस समय जो हमारा पावर फैक्टर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। आपको बता दें कि रेजोनेंस सर्किट होता कैसे है। हमारा जेड प्रतिबाधा है इम्पिडेंस इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। ये हमारा क्या है, इम्पिडेंस का फार्मूला है जेड का। जेड आपका क्या है, इम्पिडेंस आई एम पी ई डी ई एन सी ई, इस हिंदी में क्या कहते हैं, प्रति बाधा कहते हैं इम्पिडेंस हिंदी में, ठीक है। आर क्या आपका रेजिस्टेंस है, आर आपका ये तो पता ही होगा। एक्सएल क्या है, एक्सएल आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि प्रेरणिक प्रतिघात। एक्ससी की आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसे हिंदी में कहते हैं धारितीय प्रतिघात। तो किसी भी एसी सर्किट में खासकर आरएलसी में रेजोनेंस होने के लिए आपको मैंने अभी बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में कि जो एक्सएल और एक्ससी की जो वैल्यू क्या आपस में इक्वल होना चाहिए। जब ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएंगी तो क्या होगा हमारा, जेड इजकल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस। क्योंकि एक्सएल और एक्ससी आपस में क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं, जहाँ हमारा एक्ससी है उसको हम एक्सएल लिख सकते हैं ना, क्या लिख देंगे, एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सएल। यानी कि मैंने क्या किया था, एक्ससी की जगह पर एक्सएल का वैल्यू पुट किया था, ये भी एक्सएल हो गया था। अभी दोनों का जब हल करेंगे तो क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो का स्क्वायर। इस प्रकार जेड बराबर रूट में आर स्क्वायर या जेड बराबर आर, यानी कि जब भी अगर रेजोनेंस की कंडीशन आएगी एसी सर्किट में तो जेड बराबर आर हो जाएगा, यानी कि जो हमारा इम्पिडेंस होगा वो प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा और दोनों का मात्रक क्या होगा, ओम होता है, ठीक है। इस प्रकार जैसे ही रेजोनेंस होगा यानी कि जेड और आर के बराबर होगा, तो हमारा जो वोल्टेज और करंट है, वोल्टेज और करंट दोनों क्या होंगे, सेम फेज में हो जाएंगे, सेम फेज। यानी कि जो आपका फाई होगा क्या होगा, जीरो डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वोल्टेज वी और ये करंट आई दोनों एक ही डायरेक्शन में गति करेंगे या काम करेंगे, तो फाई क्या होगा हमारा, जीरो। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पावर फैक्टर क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा पावर फैक्टर का फार्मूला कॉस फाई बराबर, तो कॉस तो ठीक है और फाई का मान कितना आ गया, जीरो, और कॉस जीरो का मान कितना होता है, एक, कॉस जीरो की वैल्यू एक होती है। इस प्रकार जो हमारा पावर फैक्टर होगा क्या होगा, यूनिटी होगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार आरएलसी सीरीज सर्किट में क्या होगा, रेजोनेंस केस में जो पावर फैक्टर क्या होगा हमारा, यूनिटी हो जाएगा।
आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को चैप्टर सही लगा होगा और समझ में आया होगा। आप अपना रिस्पांस हमें कमेंट के माध्यम से और लाइक करके दे सकते हैं, ठीक है। बाकी आज बात करेंगे कि अगर इलेक्ट्रिशियन की और भी वीडियोज़ आपको देखनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने यूट्यूब में ग्लोबल ITI सर्च करना है और ग्लोबल ITI चैनल जैसे ही मिलेगा आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है और वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिशियन क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी तरह से अदर सब्जेक्ट्स भी आप वीडियोस देख सकते हैं। एग्जामिनेशन नज़दीक है तो ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल को जरूर एक्सप्लोर करिए एक बार, जरूर आपके काम की यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। और बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम काम करते रहेंगे अगर आप इस तरह से हमें सपोर्ट करते रहेंगे जैसे आप पहले कुछ दिनों से कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी नए टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।